जरिए नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया। जय हिंद। प्रमाणी दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फिल्म बरसु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 47 के बारे में। दोस्तों बात करें वामसी पेडिबरी के डायरेक्शन में बनी थालापति विजय एंड रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म बरसु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 47 की। फिल्म बरसु का संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 47 तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 313.95 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म का तमिल वर्जन से टोटल अभी तक 150.65 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई रही है। वहीं दोस्तों फिल्म के बजट बात करें तो फिल्म वर्सु को ओवरऑल 260 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर ब्लॉकबस्टर कमाई की है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म को होली के शुभ अवसर पर यानी 8th ऑफ मार्च 2023 को OTT प्लेटफॉर्म Amazon पर हिंदी में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे बड़े पर्दे पर मिस किए हैं तो इसे आप OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों फिल्म वर्सु आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 33 के बारे में। दोस्तों बात करें शाहरुख खान स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 33 की, तो फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 33 के अंदर 0.40 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म पठान का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर इंडिया नेट से 525.60 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म पठान का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 1021 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है। तो फिल्म पठान के बजट की बात करें तो फिल्म पठान को 260 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म पठान अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म अभी RRR, KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2 और दंगल के बाद 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी है। दोस्तों फिल्म पठान की बात करें तो फिल्म पठान एक स्पाई यूनिवर्स थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में आपको शाहरुख खान करीब 5 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों फिल्म पठान को अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार इमरान हाशमी स्टार फिल्म सेल्फी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करें अक्षय एंड इमरान हाशमी स्टार फिल्म सेल्फी के संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की, तो फिल्म ने संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर थोड़ी उछाल देखने को मिली, लेकिन फिल्म अपेक्षा अनुसार उतनी नहीं कमा पा रही जितना फिल्म का रिलीज से पहले हाई बज बना हुआ था। दोस्तों फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की बात करें तो फिल्म ने अपने संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर 4.75 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म सेल्फी का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 10.85 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म सेल्फी को ओवरऑल 110 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग को मिलाकर। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म अक्षय कुमार की करियर की सबसे लोवेस्ट ओपनिंग कमाने वाली फिल्म बनी है। दोस्तों फिल्म सेल्फी आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं धनुष स्टार फिल्म वासी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म वासी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 की, तो फिल्म वाटी का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई लगातार जारी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही। फिल्म वाती के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 की बात करें तो फिल्म वाती ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर 4.75 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म वाती का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 78.25 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है। तो फिल्म वाती के बजट की बात करें तो फिल्म वाती को ओवरऑल 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही है। दोस्तों अगर आप धनुष के फैन हैं और आप ब्लॉकबस्टर फिल्म देखना चाहते हैं तो वाती फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेगास्टार चिरंजीवी एंड साउथ फिल्मों के मास मार राजा रवि तेजा की फिल्म वॉल्टियर वीरैया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 45 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म वॉल्टियर वीरैया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 45 की, तो फिल्म वॉल्टियर वीरैया का बॉक्स ऑफिस पर डे 45 तक आते आते टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 235.15 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से टोटल अभी तक 183 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई रही है। दोस्तों फिल्म वाल्टियर वीरैया के बजट की बात करें तो फिल्म वाल्टियर वीरैया को 140 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म वाल्टियर वीरैया अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर सुपर डुपर हिट रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीरा सिंह मरेडी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 के बारे में। दोस्तों बात करें नंदा मुरी बाला कृष्ण स्टार फिल्म वीरा सिंह मरेडी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 46 की, तो फिल्म वीरा सिंह मरेडी का डे 46 तक आते आते टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस से 140.55 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई रही है। दोस्तों फिल्म
वीरा सिंह रेड्डी के बजट की बात करें तो फिल्म वीरा सिंह रेड्डी को ओवरऑल 110 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म को 23rd February 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जा चुका है। दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को बड़े पर्दे पर मिस किया है तो इस एक्शन पैक्ड फिल्म को डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।